दोस्तों इंतज़ार की घड़ी समाप्त, अभी देखिए वो पहुंच ही गई है गांव करेला के अंदर और सभी कार्यकर्ता उनके साथ। कार्यकर्ता अभी वादन करते हुए महिला करेला गांव से स्वागत के लिए तैयार और सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए। बारी बारी से स्वागत करते हुए सभी महिला आप सब ठीक है? पीछे आ जाओ। हमारे साथ जुड़ी हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सुनैना चौटाला जी, तो रादून पर आपका स्वागत है भाई जी। आज किस तरह का कार्यक्रम था गांव करेला में? आज तो हम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस जो हर साल इंडियन नेशनल लोकदल 25 सितंबर को मनाती है, हाँ जी, हाँ जी। उसी का न्योता देने में आई हूँ क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमारा परिवार है, हाँ जी। हर साल आती हूँ मैं, पिछले साल भी आई थी और न्योता देखी गई थी, तो इस बार भी आई हूँ। कैथल में चौधरी साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा, अनाज मंडी में, तो सभी मेरी माताओं बहनों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को, सबको मैंने न्योता दिया है। हमने एक बात देखी जी, हमने कांग्रेस का भी राज देखा और बीजेपी का भी देखा, चौधरी देवीलाल का जब राज था मुलाजिम भी खुश था, मजदूर भी खुश था, किसान भी खुश था, इसका क्या राज था? इसका राज ये था कि उनकी नीयत और नीति, हाँ जी, दोनों ही अच्छी थी। हाँ जी, जब तक आपके पास नीति नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते, और अगर आपकी नीयत नहीं होगी तो भी आप काम नहीं कर सकते। चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने, हाँ, हरियाणा प्रदेश के लिए हमेशा नई नीतियां बनाई, हाँ, और नीयत से काम किया। आज मौजूदा जो सरकार है, ना तो उनके पास कोई नीति है और ना ही उनकी नीयत है। उनकी नीयत सिर्फ लोगों को लूटने की है, किसी ना किसी बहाने से लोगों की पॉकेट से पैसा निकालते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि ये दुर्भाग्य है हमारा, हाँ जी, कि हमने ऐसी गवर्नमेंट बना दी जिनके ना खुद के घर है, ना बालक है, ना बच्चे हैं। एक जेजेपी और बीजेपी का ये गठबंधन चलेगा जी आगे? ये तो जी ठगबंधन है, ठगबंधन। और जब ठगों के माल में बंटवारे में गड़बड़ होगी तो इनकी लड़ाई होगी, और वो लड़ाई कुछ कुछ दिखाई भी देने लगी है। ये थी हमारे साथ सुनैना चौटाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान साथियों और साथ में आए हुए नीरज बोरा गायर जी, बिल्लू जी, कृष्ण लाठर जी व सभी साथी, सतीश जी, शिक्षा सरपंच जी, सभी नौजवान साथी, पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। इतने ऊंचे समय में हमारे गांव में धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं करेला गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार आज आपके बीच में है। बहुत ही मेहनती हमारे सतीदो हल्का के सुख दुख के साथी जोगिंदर काड़वा जी, भाई प्रियवर जी, कृष्ण लाठर जी, नीरज गुरेडर जी, सतीश जी, महिला पूरे
जुलाना हल्का की प्रधान, ब्लॉक की प्रधान शिक्षा जी, सविंदर जी, अशोक जी, और मैं खास धन्यवाद करना चाहती हूँ बिल्लू का, जिसने आप सबसे मुझे मिलने का मौका दिया। सौरभ लाठर जी, मैं सभी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि सबने मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। जैसा कि मुझसे पहले आप सबको बताया कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है, और जैसा कि आपको पता है तो वो महान हस्ती जो आज दुनिया में ना होके भी हम सबके बीच हैं, हमारे दिलों में हम उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं, उनका 110वां जन्म दिवस है। आपसे अनुरोध और प्रार्थना करने आए हूँ कि साल के 365 दिन होते हैं, और 365 के दिन हम अपने काम करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है इस संख्या में 25 सितंबर को आप कैथल पहुंचे और मौजूदा सरकार को ये संदेश दे कि यदि जन कल्याण के काम किए जाएंगे तो उनको लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे। आज के जो हालात हैं, परिवर्तन यात्रा के दौरान 4000 किलोमीटर की हमने यात्रा की, इस यात्रा के दौरान हमने गांव, कस्बे और शहर में जाने का काम किया, लेकिन किसी भी जगह से हमें कहीं पे भी कोई विकास का काम दिखाई नहीं दिया, ना कोई स्कूल अपग्रेड कराएंगे, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, अगर भूल से कोई डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, गांव की सड़कों का बुरा हाल है। आज कानून व्यवस्था इस तरीके से है कि बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस करती, और जब मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था का सवाल किया जाता है, विधानसभा में 90 विधायक बैठते हैं, लेकिन एक अभय सिंह जी चौटाला ऐसे विधायक है जो जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों को बार बार विधानसभा में उठाते हैं। उसके जिस दिन आप उनके हाथ में ताकत दे दोगे कलम की, तो ये मैं आपको यहाँ खड़े होकर वायदा करती हूँ कि उस कलम से जन कल्याण की नीतियां लिखी जाएंगी, स्वार्थ की भावना से राजनीति खत्म कर दी जाएगी, और उन नीतियों को सुनने के लिए आप 25 सितंबर को जरूर कैथल पहुंचना। जिस तरीके से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जब श्रृंगार से हमने यात्रा शुरू की तो चौटाला साहब ने 3 वायदे किए। सबसे पहला तो बुजुर्गों की जो पेंशन 100 रुपए बांधी थी, उस पेंशन को बढ़ा के 7500 रुपए करेंगे। दूसरा, जो नौजवान बच्चे आज फ्री में भरवा के दिया जाएगा ताकि उस गृहिणी को ताकत मिले, उसका चूल्हा आराम से चल सके। जहां सिलेंडर देने का काम करेंगे वहां 1100 रुपए की एक पेंशन शुरू करेंगे जो हर महिला को दी जाएगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान एक और बहुत बड़ी समस्या जो देखने को मिली वो बिजली के मीटर। आज बिजली के मीटर घरों से बाहर लगा दिए, मनमानी अधिकारी करते हैं, छापा डालते हैं, उनके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं। जहां पेनल्टी लगाते हैं वहीं चौधरी देवीलाल जी को हम एक सच्ची मान और सम्मान दे सके। देश के बड़े बड़े लीडर वहां पे आएंगे, आप उनके भी विचार सुनना, ताकि हमें पता चले कि चौधरी देवीलाल जी ने ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए कितने विकास के काम किए। यही बात आपसे कहने आएंगी, आप सबने मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।